सब्सक्राइब करें एनकेडी इन्फोटेक को और साथ में घंटे बटन को भी दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर से और आपके वीडियोस में अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो उस केस में आपको एंड स्क्रीन जो है उसका अप्लाई करना चाहिए अपने वीडियोस में, क्योंकि अगर आप एंड स्क्रीन का यूज करते हैं अपने वीडियोस में तो आपके वीडियोस में काफी ज्यादा व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं यूट्यूब का वीडियो में, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमाय कुमार, आप देख रहे हैं एनकेडी इन्फोटेक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने वीडियोस जो है यूट्यूब का उसमें हम लोग एंड स्क्रीन को कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसेस है एंड स्क्रीन को लगाने का, जिससे कि मेरे वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ओपन करना होगा यूट्यूब, और यूट्यूब में जाने के बाद आपको जाना होगा वीडियो मैनेजर में। वीडियो मैनेजर में जाने के बाद आपको एडिट के ऑप्शन में चले जाना है, और एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा एक एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से क्या कर सकते हैं, रैंडमली आप अपने यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें से चार वीडियोस को आप क्या कर सकते हैं, रैंडमली अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और अपने वीडियोस में उसको लास्ट में जो है वो सेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस से आपको क्या होगा फायदा कि जैसे आपका वीडियो जो है वो एंड होने को रहेगा, उसी के समय आपका क्या होगा कि आपका चार और वीडियो जो है वो व्यूज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि कोई बंदा आपके वीडियोज को अगर देख रहा है तो आपके वीडियोस का जो लास्ट पोजीशन होगा, जब अंत होने को रहेगा आपका वीडियो, उसी समय क्या होगा आपके चैनल्स के और चार वीडियो जो है आपके एंड स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो चाहे अगर कोई बंदा है उसको अगर इच्छा होगी कि हम भी अगर इस वीडियो को देखें तो वो आपके वीडियोस को क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा कि आपके वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।